शक्ति समिति के छठ के युवा वाहिनी के प्रधान संपत यादव जी, जो 17 वर्षों से इस जमुना तट के किनारे अपना पंडाल लगाते हैं, उनके साथ में जो उनके भाई हैं मिधवासी जी, वो भी बहुत इतना सहयोग करते रहते हैं, और उनके साथ में दिलीप सिंह जी हैं। अविनाश सिंह भदौरिया त्रिपाठी जी, उनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, जो 17 वर्षों से ये लगातार छठ मैया की सेवा में लगे हुए हैं। मैं पूरी टीम को छठ मैया से मनाता हूं कि उनकी रात दिन चौगुनी करें और उनको हमेशा इतनी ताकत दें कि छठ मैया की सेवा वो लोग करते रहें। और जितने भी हमारे छठ के श्रद्धालु आ रहे हैं, सबसे मैं निवेदन करूंगा अपने छोटे छोटे बच्चों का हाथ अपने हाथ में रखें और छोड़े ना उनको। और एक बच्ची 2.5 साल की है, इनके पिता का नाम सोनू है, सोनू, और बच्ची का नाम आरती है। एक खो गई है, श्री शिव शक्ति पांडाल छठ के पास में है, जिसके प्रधान संपत यादव है, आप यहाँ से ले सकते हैं, चवाइए। और हमारे जितने भी श्रद्धालु भाई हैं, सबको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, उनकी चरणों की धूल अपने माथे पे लगाकर धन हो जाता हूँ। और हमारे पंडाल में हमारे बड़े भाई अर्जी आ चुके हैं, you know.
अपने मन्नतों को मानते हुए अभी सूर्य देव को अर्घ देने के बाद में अपने अपने निवास स्थान की तरफ जाते हुए और बहुत तादाद के अंदर ये भीड़ है। ऐसा लगता है कि पूरे भारत की भीड़ यमुना तट के किनारे ही आके लग गई है और सभी श्रद्धालु एक शांति पूर्वक बड़े बड़े टोकरे के अंदर केले सेब और ये गन्ने को लेकर जा रहे हैं और बहुत तादाद के अंदर एक दूसरे के सहयोग कर रहे हैं, एक दूसरे के सहयोग के माध्यम से अपने घर की तरफ प्रस्थान करते हैं। और सुबेरे यही श्रद्धालु लोग व्रत रखे हैं जिन्होंने, ये सुबह 4 बजे करीब यहाँ आएंगे और जैसे ही सूर्य उगेगा, सूर्य देव जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगे, सूर्य देव आगे उगेंगे, उन्हीं को अर्घ देने के बाद में जो श्रद्धालु लोग हैं, जो श्रद्धालु महिला हैं, वो उनको अर्घ देने के बाद अपने घर जाने के बाद अपना व्रत खोलेंगे। कैमरामैन गौतम के साथ मनोज पिप्पल, सोनिया विहार, दिल्ली।